30,000 कोच में कल हुई हिंसा के बाद अब आज दिल्ली बार काउंसिल के वकील भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। वहीं बार काउंसिल की मांग है कि पुलिस इस मामले में सही कार्रवाई करे और उनके साथ इंसाफ करे। साथ ही वकील सोमवार को भी पूरी तरह हड़ताल पर रहेंगे। दिल्ली के 30,000 कोच में वकीलों और पुलिस के बीच हुई झड़प का एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वकीलों का ग्रुप 30,000 कोच के लॉकअप के अंदर घुसा था और पुलिस कर्मियों को बेरहमी से पिटाई की। लॉकअप में इस दौरान दर्जनों कैदी बंद थे जो कोच में पेशी के लिए आए थे। इस मारपीट के बाद वकीलों ने लॉकअप के बाहर आग लगा दी है। दिल्ली की 30,000 अदालत में हुई हिंसा की जांच अब एसआईटी को सौंप दी गई है। एसआईटी इस पूरे मामले की जांच करेगी। इसी बीच 30,000 कोर्ट में पुलिस की तरफ से की गई फायरिंग के खिलाफ 4 नवंबर को दिल्ली की सभी जिला अदालतों में कामकाज ठप रहने का फैसला किया गया है। कोर्ट में पुलिस और वकीलों में बीच हुई हिंसक झड़प में एडिशनल डीसीपी चोटिल हो गए। वही हिंसक झड़प की सीएम अरविंद केजरीवाल ने निंदा की है। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद भी लोगों को प्रदूषण से कोई राहत नहीं मिली। शनिवार देर शाम दिल्ली और उसके आसपास कुछ हुए जगहों पर हुई बारिश के बावजूद प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। वहीं दिल्ली के लगभग सभी इलाकों में प्रदूषण से जुड़े सभी रिकॉर्ड ब्रेक हो गए हैं और कई इलाकों में AQI 1000 से भी ऊपर दर्ज किया गया। वहीं बढ़े हुए प्रदूषण को देखते हुए डॉक्टर्स बच्चों और बुजुर्गों को घर के अंदर ही रहने की सलाह दे रहे हैं। प्रदूषण बढ़ने की वजह से कई इलाकों में विजिबिलिटी भी कम हो गई है। दिल्ली में बढ़े हुए प्रदूषण को देखते हुए स्कूलों की भी छुट्टी कर दी गई। यूपी सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री सुनील भराला ने प्रदूषण को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया है। भराला का कहना है कि लोगों को इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करना चाहिए जिससे बारिश हो जाए। साथ ही भराला पराली जलाने का समर्थन करते हुए भी नजर आए हैं। वहीं बढ़े हुए प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली के बाद अब नोएडा में भी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया। प्रदूषण के चलते नोएडा के स्कूल 4 और 5 नवंबर को बंद रहेंगे। ये आदेश गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने दिए हैं। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ प्रदूषण का असर यूपी की राजधानी लखनऊ और उसके आसपास के इलाकों में भी नजर आ रहा है। यूपी की राजधानी लखनऊ और लखनऊ के सटे शहर बाराबंकी में प्रदूषण का असर नजर आया। यहां स्मॉग की चादर के साथ कई जगहों पर कूड़ा जलाने की तस्वीरें भी सामने आई है। लगातार बढ़ते प्रदूषण के बावजूद हरियाणा में लगातार पराली जलाने की तस्वीरें सामने आ रही है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में भी अब पराली जलाने की 600 मामले सामने आए हैं। वहीं प्रदेश सरकार पहले भी पराली जलाने पर जुर्माना लगा रही है, जबकि कृषि विभागों के अधिकारी पराली में आग लगाने के मामले को रोकथाम को लेकर कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव के रिजल्ट आने के 10 दिन बाद भी राज्य में सरकार को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। संजय राउत ने एक बार फिर साफ किया है कि उनकी बात सिर्फ सीएम पद को लेकर होगी, बाकी किसी मंत्रालय को लेकर समझौता नहीं किया जाएगा। साथ ही राउत ने दावा किया है कि शिवसेना खुद भी सरकार बनाने में सक्षम है और उनके पास बहुमत से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। महाराष्ट्र में एनसीपी ने शिवसेना को समर्थन देने के संकेत दिए हैं। एनसीपी की तरफ से बयान आया है कि अगर शिवसेना अपना स्टैंड साफ करती है तो सरकार बनाने को लेकर बात हो सकती है। वहीं एनसीपी की तरफ से कहा गया है कि शिवसेना ने 5 सालों तक बीजेपी के साथ अपमान झेला है और सीएम उनका ही होना चाहिए। महाराष्ट्र में सियासी सस्पेंस की बीला ऑल इंडिया मंच ने इतिहादुल मुस्लिम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र की सियासत पर तंज कसा है। ओवैसी ने कहा है कि उद्धव ठाकरे 2 घड़ों पर सवार चलते हैं। साथ ही कहा है कि वो जनता को मूर्ख ना बनाए। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि ऐसा लगता है कि मानो उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री मोदी से घबरा रहे हैं। पीएम मोदी के 3 दिनों के थाईलैंड दौरे का आज दूसरा दिन है। वहीं बैंकॉक में 16वें आसियान भारत समिट में पीएम मोदी ने कहा कि मजबूत और आर्थिक रूप से समृद्ध आसियान भारत के लिए काफी फायदेमंद है। पीएम मोदी ने भारत को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के अपने दृष्टिकोण को भी सामने रखा। साथ ही दावा किया है कि बहुत जल्द ही ये सपना सच हो जाएगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने निवेशकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में निवेश के लिए अभी सबसे अच्छा समय है।
देश ने नियमित और नौकरशाही वाली शैली में काम करना बंद कर दिया है और कारोबार के लिहाज से भारत में अब कई अवसर और सुविधाएं प्राप्त होंगी। अरब सागर में बने शक्तिशाली तूफान महा का देश के कई राज्यों में असर देखने को मिला। अरब सागर की तरफ से लगातार आ रही नमी से गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अंडमान निकोबार सहित अन्य राज्यों में बादल छा गए हैं। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार गुजरात और अंडमान निकोबार में भारी बारिश के आसार हैं। अयोध्या विवाद को लेकर मुस्लिम संगठनों ने बैठक की है। इस बैठक में लोगों से अपील की गई है कि वो किसी भी परिस्थिति में अयोध्या मामले में जो भी फैसला आएगा उस पर शांति बनाए रखें, साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करें। बैठक में अयोध्या मामले पर जो भी फैसला आने वाला है उसमें पैदा होने वाले परेशानियों को लेकर मंथन भी किया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर फैसला आने वाला है, इसे को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस की सारी छुट्टियां रद्द कर दी गई है। मामले की गंभीरता से देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया, सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी जाए क्योंकि राम मंदिर पर फैसला जल्द ही आ सकता है। अयोध्या में विवादित जमीन पर फैसले को लेकर कोर्ट फैसले से पहले पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। इसी के तहत आज पुलिस प्रशासन ने किसी भी तरह की हिंसा की स्थिति में निपटने के लिए तैयारी थी और इसी कड़ी में एसपी यमुना प्रसाद की मौजूदगी में पुलिस लाइन बहजोई में पुलिस बलों को गंगोई से निपटने के लिए दंगा रिहर्सल भी करवाया गया। यूपीपीसीएल में पीएफ घोटाला मामले में सीएम योगी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। सीबीआई की जांच से पहले डीजी युवाओ से जांच कराने का आदेश दिया। करीब 2631 करोड़ रुपए के पीएफ को डीएचएफएल में जमा करा दिया गया था और बिजली कर्मियों के पीएफ को निजी कंपनी में लगाने का भी फैसला किया गया था। 2014 में अखिलेश सरकार के दौरान लिए गए इस फैसले में हुई घोटाले की जाँच की जा रही है। बिजली कर्मचारियों के पीएफ घोटाला मामले को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर हमला बोला। घोटाले को लेकर प्रियंका गांधी ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए जिनमें प्रियंका गांधी ने घोटाले को लेकर योगी सरकार का घेराव किया है। शाहजहांपुर चिन्मयानंद छात्रा यौन शोषण मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। अब एसआईटी ने बीजेपी नेता और जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन डीपीएस राठौर से पूछताछ की है। वहीं बीती रात डीपीएस राठौर के घर पर भी छापा मारा गया। इस दौरान एसआईटी ने डीपीएस राठौर का लैपटॉप भी जब्त कर लिया है। यूपी की राजधानी लखनऊ में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं डेंगू की बढ़ती मरीजों की संख्या के बावजूद प्रशासन ने खास तरह के इंतजाम नहीं किए हैं। ताजा उदाहरण लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में देखने को मिला जहां डेंगू से निपटने के लिए कोई खास वार्ड या तैयारी नहीं की गई है। बहराइच पुलिस ने एक सनसनीखेज लूट का खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक बीती 14 अक्टूबर को आरोपियों ने क्राइम ब्रांच का अफसर बनकर वारदात को अंजाम दिया। वहीं लूट का खुलासा करते हुए बहराइच पुलिस की स्वीप टीम ने दो आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, साथ ही उनके पास से लूटे गए 34,20,000 रुपए भी बरामद किए हैं। एसआईटी ने एक मुठभेड़ में सचिन पांडे नाम के 1 लाख के नामी बदमाश को मार गिराया। मारे गए बदमाश की तलाश पुलिस कई मामले में काफी वक्त से कर रही थी। वहीं मुखबिर से मिली जानकारी के बाद लखनऊ के गोमती में एक दुकान पर आरोपी को पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी सुपारी लेकर हत्या की वारदात को अंजाम देता था। बाराबंकी में 65 साल की एक बुजुर्ग महिला की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। आरोप है कि मृतक महिला के लड़के ने ही जमीन के लालच में अपनी मां की हत्या कर दी। शुरुआती जांच के मुताबिक आरोपी बड़े बेटे को जमीन देने से नाराज था और बीती 22 अक्टूबर को उसने हत्या करके शव नहर में फेंक दिया। बहराइच के मोतीपुर थाना इलाके में छेड़छाड़ से परेशान एक 20 साल की एक लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक लड़के के परिजनों का आरोप है कि इलाके का ही एक लड़का लड़की के साथ छेड़छाड़ करता था। वहीं पुलिस पर भी मृतक के परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। गोरखपुर में एक लड़की के साथ शोहरदों की छेड़छाड़ का वीडियो सामने आया है। वहीं विरोध करने पर आरोपी लड़कों ने लड़की के भाई के साथ मारपीट भी की
और लड़की के घर वालों पर पथराव भी किया। फिलहाल पीड़ित युवती ने आरोपियों की शिकायत पुलिस में कर दी है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरिद्वार जिले के पंजनहेड़ी और कनखल में हाथी ने जमकर तांडव मचाया। पंजनहेड़ी में हाथी ने हमला कर एक बुजुर्ग को पचक पचक कर मार डाला। वहीं जियापोता में हमला कर एक महिला को गंभीर कर दिया और जिसकी अस्पताल में ले जाते वक्त मौत हो गई। जिसके बाद वन विभाग की सुस्त कार्यप्रणाली को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने हाथी का रेस्क्यू करने पहुंचे वन विभाग के डीएफओ और उनके साथियों को बंधक बना लिया। मौके पर दो विधायकों के अलावा पुलिस फोर्स पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर वन विभागों की टीम को मुक्त कराया गया। हरियाणा की चरखी दादरी में बारिश के बाद अनाज मंडी पानी पानी हो गई। वहीं अनाज मंडी में पानी भरने के बाद प्रशासन के कई दावों पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। वहीं बारिश के बाद फसल पूरी तरह से खराब हो गई और लाखों किसानों को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा। चंडीगढ़ इंटरनेशनल लोक दल की कार्यकारिणी बैठक हुई। इस मीटिंग की अध्यक्षता अभय चौटाला ने की। वहीं इस मीटिंग में विधानसभा चुनाव में हार की वजहों पर मंथन किया गया। साथ ही आने वाले वक्त में पार्टी की रणनीति भी तय की गई। बिहार के रोहतास जिले के सासाराम इलाके में बम विस्फोट का मामला सामने आया है। पूरी घटना नगर थाना इलाके के मोची टोला में मौजूद एक मस्जिद का है। वहीं धमाके के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि धमाके में एक शख्स घायल भी हो गया है। बिहार के समस्तीपुर में छठ पूजा के दौरान बड़ा हादसा हुआ। समस्तीपुर के हसनपुर में छठ पर्व को के दौरान तालाब में मंदिर की दीवार गिर गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम और राहत का कार्य लगातार चल रहा है। झारखंड के जमशेदपुर में खाकी को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। सीताराम डेरा थाना इलाके में शराब के नशे में धुत एसएसआई ने एक घर में घुसकर एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की। इस पर नाराज लड़की के घरवाले और बस्ती के लोगों ने आरोपी एएसआई को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस पूरी घटना का वहीं मौजूद लोगों ने वीडियो भी बना लिया है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के इस्तीफे की मांग को लेकर 48 घंटे का अल्टीमेटम खत्म होने जा रहा है। इमरान खान प्रदर्शनकारियों से इस कदर डरे हुए हैं कि उन्होंने गृह मंत्रालय को प्रदर्शनकारियों से किसी भी तरह निपटने के निर्देश दिए हैं। पाकिस्तान के डॉन न्यूज की एक खबर के मुताबिक उन्होंने आदेश दिए हैं कि अगर प्रदर्शनकारी संवेदनशील रेड जोन की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनसे निपटने के लिए तैयार रहना होगा। पेट्रोल की कीमतों में दूसरे दिन लगातार 6 से 8 पैसे प्रति लीटर की कटौती हुई है। हालांकि घरेलू तेल कंपनियों ने डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। इसके पहले शनिवार को भी पेट्रोल की दरों में गिरावट आई थी। शनिवार को पेट्रोल की दरों में 5 पैसे प्रति लीटर तक की कटौती की गई थी और शनिवार को डीजल की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ था। चीन की 3 सरकारी दूरसंचार कंपनी ने यहां के 50 शहरों में 5G सेवाओं की शुरुआत कर दी है। चीन का अगला लक्ष्य अमेरिका और पश्चिमी देशों को पछाड़ते हुए अगली पीढ़ी को दूरसंचार प्रौद्योगिकियों का वैश्विक नेतृत्व करना है। चाइना मोबाइल, चाइना यूनिकॉम, चाइना टेलीकॉम कंपनी ने बीजिंग, संघाई समेत 50 शहरों में सेवाएं शुरू कर दी है। 5G इंटरनेट पैक के लिए एक महीना में 128 युआन यानी 1290 रुपए चुकाना होगा। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट ने लंदन की प्रॉपर्टी 20 करोड़ पाउंड यानी करीब 1830 करोड़ रुपए में अपने प्रमोटरों की कंपनी को बेच दी है। कर्ज घटाने और भारतीय कारोबार पर ध्यान देने के लिए यह फैसला लिया गया। कंपनी का कहना है कि ब्रेक्जिट से जुड़े मामले और अनिश्चितताओं की वजह से लंदन की प्रॉपर्टी मार्केट में सुस्ती देखने को मिल रही है। वोडाफोन ने अपने यूजर्स की सहूलियत के लिए खास प्लान्स को पेश किया है। कंपनी ने यूजर्स के लिए 20, 30 और 50 रुपए के रिचार्ज में फुल टॉक टाइम देने का फैसला किया। वहीं इन प्लान्स में यूजर को अब 28 दिनों की वैलिडिटी भी ऑफर की जाएगी। इससे पहले यूजर को 28 दिनों की वैलिडिटी के लिए 35 रुपए का रिचार्ज करना पड़ता था। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी TRI ने कॉल की घंटी का समय मोबाइल के लिए 30 सेकंड और लैंडलाइन के लिए 60 सेकंड तय किया है। ट्राई ने शुक्रवार को सेवाओं को गुणवत्ता संबंधित
संशोधित नियमों में व्यवस्था लागू की है। आपको बता दें कि अभी तक हमारे में घंटे की कोई न्यूनतम समय सीमा नहीं तय की गई थी। चीन की स्मार्टफोन कंपनी Xiaomi ने हाल ही में यह कंफर्म किया है कि कंपनी 108 मेगापिक्सल कैमरे वाले फोन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। अब कंपनी ने एक टीजर पोस्ट किया है जिससे इस फोन की लॉन्चिंग डेट के बारे में पता चलता है। टीजर से पता चलता है कि ये फोन 14 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। इस फोन को कंपनी फिलहाल पोलैंड में लॉन्च कर रही है और ये दुनिया का पहला 108 मेगापिक्सल पेंट्रा कैमरा सेटअप यानी 5 रियर कैमरा वाला पहला फोन होगा। टिकटॉक बनाने वाली कंपनी वाइट डांस ने अपना पहला स्मार्टफोन स्मार्टिशियन Xiaomi Pro 3 लॉन्च करते हुए स्मार्टफोन इंडस्ट्री में कदम रख दिया। इस फोन को फिलहाल चीनी मार्केट में 3 स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया जाएगा। फोन में कार्ड रियर कैमरा सेटअप और स्प्रेडग्रेम 855 प्लस चिपसेट जैसे फीचर्स भी दिए जाएंगे। इस फोन की खासियत यह है कि इसमें आप लॉक स्क्रीन पर भी टिकटॉक ऐप को क्विक एक्सेस कर सकते हैं। भारत की पुरुष एवं महिला हॉकी टीमों ने कड़ी मेहनत के बाद अगले साल टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए 2 चरण के ओलंपिक क्वालिफायर मैचों में भारत की महिला टीम ने अमेरिका को और पुरुष टीम ने रूस को एग्रीगेट स्कोर के दम पर मात देकर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने खुलासा किया है कि बांग्लादेश के खिलाफ डे नाइट टेस्ट मैच खेलने के लिए विराट कोहली ने सिर्फ 3 सेकंड में हां कह दिया था। गांगुली ने बीसीसीआई अध्यक्ष बनने के एक हफ्ते के अंदर बीसीसीआई में बदलाव करने में सफल लगातार दिखाई दे रहे हैं। भारतीय महिला पहलवान पूजा गहलोत ने अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। पूजा ने 53 किलोग्राम में भारत की झोली में सिल्वर मेडल डाला है। गोल्ड मेडल जीतने की उम्मीद से फाइनल में उतरी पूजा को जापान की पहलवान हरुना ओकुना के साथ हाथों हाथ का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज अहमद शहद पर कायद ए आजम ट्रॉफी में गेंद से छेड़छाड़ का दोषी पाए जाने के बाद 50% मैच फीस का जुर्माना लगाया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शुक्रवार को कहा कि शहजाद को धारा 214 के अंतर्गत लेवल 1 के आरोप का दोषी पाया गया जो मैच के दौरान गेंद की स्थिति में बदलाव करने से संबंधित होता है। फिल्म सुपर 30 में बिहार के आनंद कुमार का किरदार निभा चुके बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन ने अपने फैंस को छठ पूजा के लिए शुभकामनाएं दी। ऋतिक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक फोटो शेयर किया है। छठ पर्व को जानने और देखने के लिए समुद्र तट पर पहुंच गए जहां उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ भी लगी। अपने अभिनय से लाखों दिलों को जीतने वाले सुपरस्टार शाहरुख खान ने 2 नवंबर को अपना 54वां बर्थडे सेलिब्रेट किया है। जन्मदिन के खास मौके पर शाहरुख के फैन सहित कई फिल्मी सितारों ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। साथ ही दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर उनका नाम लिखकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी गई। सलमान खान हर साल ईद के मौके पर अपनी फिल्म रिलीज करके फैंस को तोहफा देते हैं। सलमान ईद 2020 में राधे योर मोस्ट वांटेड भाई लेकर आ रहे हैं। सलमान ने इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। फिल्म में सलमान खान के साथ जैकी श्रॉफ और रणदीप हुड्डा भी अहम भूमिका में दिखाई देंगे और प्रभु देवा इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। 2020 के ईद में बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार और सलमान खान दो हाथ करने के लिए तैयार है। फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब के निर्माताओं ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब की रिलीज को प्रीपॉन कर दिया गया है और अब ये फिल्म ईद 2020 में पर्दे पर रिलीज होगी। जबकि इसी दिन सलमान खान की फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई भी रिलीज होने वाली है।
सनी सिंह स्टारर फिल्म उड़ता चमन शुक्रवार को रिलीज हो गई। फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों से मिक्सर रिस्पांस मिल रहे हैं और इसी बीच फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन की जानकारी सामने आई है। बॉक्स ऑफिस के मुताबिक फिल्म उड़ता चमन ने पहले दिन 2.35 करोड़ की कमाई की। फिल्म की शुरुआत भले ही धीमी रही, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में फिल्म की कमाई बढ़ सकती है।